ये है वुलन वर्दी, इसको मैं अभी आप लोगों को पहन कर दिखाती हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये है वुलन वर्दी, इसको हम लोग अंगोला भी बोलते हैं। हे फ्रेंड्स जय हिंद, स्वागत है आप सबका मेरे इस नए वीडियो में। कैसे हैं आप सब लोग, आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सबसे पहले आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज धनतेरस है और मैं भी वीडियो शूट कर रही हूँ, मुझे नहीं पता किस दिन मैं इसको अपलोड करूँगी। तो फ्रेंड्स आज का जो वीडियो है उसमें मैं सोच रही थी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देती हूँ, क्योंकि मुझे ड्यूटी जाना था तो अभी थोड़ा सा टाइम है जाने में, तो मैंने सोचा कि कुछ वीडियो बना लेते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन दे देते हैं आप लोगों को। तो वीडियो जो हमारा रिलेटेड है वो आज है वर्दी से रिलेटेड, क्योंकि फ्रेंड्स जब मैं भी नहीं आई थी इस डिपार्टमेंट में तो मेरे भी माइंड में क्वेश्चंस ऐसे आते थे कि कभी देखते हैं कुछ लोग ऐसे सामान्य कपड़ों में, सामान्य कपड़ों से बने हुए वर्दी पहनते हैं, तो कुछ लोग वुलन टाइप का डार्क ऐसे वर्दी पहनते हैं पुलिस डिपार्टमेंट में। तो वही जो कन्फ्यूजन है सबको होता होगा, जो लोग नहीं जानते हैं इसके बारे में, तो बस इसी से रिलेटेड हमारा वीडियो है। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं वीडियो को और मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ऐसा क्यों है, ठीक है। ये जो मैंने वर्दी अभी धारण करी हुई है ये है गर्मी की वर्दी, इसको हम लोग गर्मियों में पहनते हैं। ये हम मार्च से स्टार्ट करके अक्टूबर तक पहनते हैं और अक्टूबर से लेकर के मार्च तक जो ऊनी कपड़ों से बनी हुई वर्दी होती है उसको धारण किया जाता है। ऐसा था फ्रेंड्स स्टार्टिंग में कि पहले 21 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाता था कि आप ऊनी कपड़ों से बनी हुई वर्दी पहने, आप साइड में देख सकते हैं ऊनी कपड़ों से बनी हुई ये वर्दी को पहनते थे हम लोग, पहनते थे क्या जो भी थे, हम तो थे नहीं इसलिए तक, ठीक है। 21 से स्टार्ट हो जाता था, 21 मार्च तक पहना जाता था, लेकिन फिर ये हुआ कि अक्टूबर नवंबर और मार्च के जो दिन होते हैं काफी गर्म होते हैं और रातें ठंडी होती हैं, तो अब ऐसे में अगर उन गर्म कपड़ों से बनी हुई वर्दी को गर्म दिन में धारण करेंगे और धारण करने के बाद ड्यूटी करेंगे तो ऐसे में पुलिस की जो कार्यशैली है वो काफी ज्यादा प्रभावित होती थी, क्योंकि गर्मी में गर्म कपड़े पहन करके ड्यूटी करना आप लोग समझ ही सकते हैं कितना कठिन होता है। तो कुछ इसमें बदलाव किया शासन ने, ऐसा कर दिया कि रात्रि में जो ऊनी कपड़ों से बनी हुई वर्दी है, क्योंकि रात्रि ठंड होती है अक्टूबर से लेकर के मार्च तक की रातें ठंड हो ही जाती हैं, तो ऐसे में ऊनी कपड़ों से बनी हुई वर्दी पहनी जाएगी और रात्रि में, और दिन में जब तक दिन गर्म है तो आप सामान्य कपड़ों से बनी हुई वर्दी पहन सकते हैं। तो यही रीजन है फ्रेंड्स कि गर्मी में सामान्य कपड़ों से बनी हुई वर्दी पहनी जाती है और ठंडी में जो डार्क होता है वूलन होता है उसको पहना जाता है। आई होप कि इससे रिलेटेड जो आप लोगों का कन्फ्यूजन होगा वो क्लियर हो गया होगा। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अपनी वर्दी कैसी लगती है, क्योंकि मैंने वर्दी को निकाल लिया है, धुल लिया है, ब्रश भी कर लिया उसको और बस आदेश आए पहनना स्टार्ट कर दें। वैसे हम लोग को अभी रात्रि में ड्यूटी लगेगी, क्योंकि जिधर हम लोग हैं, जिधर हमारी पोस्टिंग है पूर्वांचल में, इधर एक पर्व है छठ का जो कि बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, हमारे उधर नहीं मनाया जाता छठ का पर्व, लेकिन यहाँ पर बहुत ही हर्षोल्लास बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। देखा जाए तो इधर का शायद सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है इन लोगों का, तो वो मनाया जाएगा, तो उसमें रात्रि में ड्यूटी लगेगी तो हो सकता है इस वर्दी को धारण करना पड़े वुलन वाली। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि कैसे लगती है, आप ये लोग बताएंगे कौन सी ज़्यादा आपको अच्छी लगती है, क्योंकि वैसे कंपेयर तो नहीं कर सकते क्योंकि दोनों वर्दियाँ बहुत ही अच्छी लगती हैं, बहुत ही बेस्ट है, कंपेयर करने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग बताइए कि कौन सी वर्दी ज़्यादा बेस्ट लगती है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये है वुलन वर्दी, इसको मैं अभी आप लोगों को पहन कर दिखाती हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये है
भोलेन वर्दी, इसको हम लोग अंगोला भी बोलते हैं, ठीक है। और ये जब हम लोग पहनने स्टार्ट करते हैं तो इसके जो आदेश आते हैं उसका जो नियम होता है वो बड़े ही कड़ाई से पालन किया जाता है इसका, ठीक है। और इसमें ये भी है कि जब से स्टार्ट करते हैं इसको तो इसमें कई सारे नियम होते हैं, उनको फॉलो भी करना पड़ता है। ऐसा है कि ठंडी का है ना तो इसको फुल भी पहनना पड़ता है, लेकिन जब कम ठंड पड़ रही है तो इसे हम फोल्ड कर सकते हैं, यहाँ तक कर सकते हैं। लेकिन अगर ठंड नहीं पड़ रही और उसके लिए भी आदेश आता है, यहाँ तक फोल्ड करके रखने का आदेश आता है। जब थोड़ी सी ज्यादा ठंडी पड़ने लगती है तो यहाँ तक पूरा बंद करके पहनने का आदेश आता है, जैकेट पहनने का भी आदेश आता है, तो उन सबको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो ये है अंगोला, वुलन वर्दी, इसको अंगोला भी बोलते हैं हम लोग। अब आप लोगों को बताना है कि आप लोगों को कौन सी वर्दी बेस्ट लगती है, ठीक है। एक लड़की ने कमेंट किया था, उसको एक कंफ्यूजन था, वो क्वेश्चन कर रहा था कि मैम ठंड में जब जैकेट पहन लेते हैं तो स्टार दिखते नहीं है, इससे पता नहीं चलता कि कौन कौन स्टेबल है, कौन शाही है, कौन दरोगा है, फिर स्टार है कौन, ऐसे करके। तो उसमें जानते हो ऐसा क्या होता है, पहले तो सब पता चल ही जाता है क्योंकि जो कैप होती है वो पी कैप, और नहीं भी लगाए होते हैं यही कैप लगा तब भी पता चलता है क्योंकि बूट से पता चलना चाहिए आपको। जो जूते होते हैं ना वो कॉन्स्टेबल के ब्लैक होते हैं और कॉन्स्टेबल से ऊपर के जो अधिकारी होते हैं उनके जूते रेड कलर के होते हैं, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि जैकेट पहनने के बाद आप लोगों को पता नहीं चलेगा, है ना। तो आप जूते से पता कर सकते हैं, कॉन्स्टेबल के जूते ब्लैक कलर के होते हैं, उनसे बड़े अधिकारियों के जूते का जो कलर होता है वो रेड होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये जो वर्दी अभी मैंने पहन करके रखी है ये सामान्य कपड़ों से बनी हुई वर्दी है और इसको साल में 7 महीने पहनने पड़ते हैं, अक्टूबर मार्च से लेकर के अक्टूबर तक 7 महीने इस वर्दी को धारण करते हैं। इसको हम लोग गर्मी की वर्दी भी बोलते हैं, इसको 7 महीने तक पहनते हैं, काफी ज्यादा कंफर्ट है, ठीक है। और वर्दी में चाहे तो ठंडी में हो या गर्मी में हो, जब भी उसको पहनते हैं तो उसमें कुछ चेंजिंग नहीं करनी होती कि बैचेस वगैरह या फिर डोरी किसी चीज में भी चेंजिंग करना हो, सब कुछ सेम होता है। बूट कैप, कैप के लिए ठीक है, ठंडी की भी आती है, बहुत ज्यादा ठंड पड़ने लगती है तो वो कैप लगाना पड़ता है, और अगर नहीं पड़ रही है तो आप ये कैप भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो कुछ ज्यादा चेंजिंग नहीं है, बस क्या है वर्दी ऊपर और नीचे का चेंज हो जाता है, वॉल्यूम मिलता है, बाकी सिटी डोरी बैचेस नेम प्लेट कैप बेल्ट बूट वो सब वही रहते हैं, सेम रहते हैं। सो आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, काम की लगी होगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।